रीवा में आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक शिक्षक के घर छापेमार कार्रवाई की, जिसमें शिक्षक के पास से 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली है। रीवा के हनुमाना में आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक रीवा जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में ग्राम गनीगवा में शिक्षक महेंद्र कुमार सिंह के यहां आर्थिक अपराध शाखा ने शुक्रवार सुबह सुबह 5 बजे दबिश दी। कार्रवाई के दौरान शिक्षक के घर से 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली है, जिसमें नौकरी के दौरान खरीदे गए 22 जमीनों का दस्तावेज, एक बड़ा स्कूल, 4 ट्रैक्टर, 3 जेसीबी, 1 फॉर्चुनर, 2 बोलेरो, 1 मोटरसाइकिल वाहन के साथ कई दस्तावेज मिले हैं। घर में तलाशी के दौरान सोने के जेवरात और नकदी भी बरामद की गई है। इसके अलावा ईओडब्ल्यू टीम टीचर के अन्य संपत्ति का पता लगाने में जुट गई है। ईओडब्ल्यू रीवा में शिकायत हुई थी कि हनुमना तहसील क्षेत्र में गनीगवा गांव का रहने वाला एक महेंद्र प्रताप सिंह, जो कि सहायक शिक्षा ग्रेड 3 क्लर्क है संकुल में, उसके पास करोड़ों की संपत्ति है। उसने अवैध ढंग से जो है वो शिक्षकों को परेशान करके और शिक्षकों का पैसा गबन करके उक्त राशि अर्जित की है। शिकायत जांच होने पर ये तथ्य सही पाए गए और आज सुबह ईओडब्ल्यू की टीम ने उसके गनीगवा के निवास पर छापा मारा है और इसमें अभी तक जो उसके पास संपत्ति आई है उसमें 22 ज़मीनें उसने नौकरी में आने के बाद खरीदी हैं, कई हेक्टेयर ज़मीन है। उसने एक बड़ा स्कूल गनीगवा की मेन रोड पर बनवाया है, उसके पास में 3 जेसीबी मशीन, 4 ट्रैक्टर, 1 फॉर्चुनर गाड़ी, 2 बोलेरो और 1 मोटरसाइकिल उसके प्रमाइसेस में उसके घर में बरामद हुई हैं और अभी सर्च चल रही है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।